हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट फॉर क्लास 11। अप टिल नाउ हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में बात की, डायमेंशंस के बारे में बात की, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। देन लास्ट लेक्चर में आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट द पैरेलेक्स मेथड, किस तरीके से पैरेलेक्स मेथड डिराइव होता है एंड आपको उसे कैसे यूज करना है। यहां तक हमारा चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और भी टॉपिक्स है हमारे पास, दो तीन टॉपिक रिमेनिंग है टू कंप्लीट द चैप्टर। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे इसे। तो टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या जो हमारे काम का है। सिग्निफिकेंट का मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस और विच विल गिव सम आइडिया टू अस दैट द वैल्यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट वैल्यूज। तो जस्ट डेफिनेशन रीड करते हैं हम यहाँ पर। द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ नंबर आर डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। सो जो भी नंबर आपको दिया हो उसमें जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है, रिमेंबर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, अगर मैं आपको कोई वैल्यू देता हूँ उसमें से जिससे आपको मीनिंगफुल वैल्यू मिले या मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन मिले, उसे ही आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलोगे। सारे नंबर्स को सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। अब फॉर गेटिंग अ सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के लिए देर आर नंबर ऑफ रूल्स। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे रूल्स दिए हैं, तीन चार रूल, नॉन ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑल दैट, बहुत सारे तीन चार आई थिंक फाइव रूल्स दिए। वो पढ़ोगे तो यू विल बी, आपको वो याद करना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, पढ़ो, इट इज़ वेरी सिंपल, पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगे। मैं वो भी लिख दूंगा, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सिग्निफिकेंट फिगर बिना रूल्स के, मतलब रूल्स फॉलो करते हुए डायरेक्टली कैसे याद करोगे। सी, कोई भी अगर आपको वैल्यू दी जाती है उसमें आपको दो टाइप की वैल्यू मिल सकती है। एक तो ऐसा हो सकता है नंबर जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो नॉन डेसिमल वाले, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, और दूसरी ऐसी वैल्यू मिल सकती है जिसमें आपको डेसिमल दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा ना, एक तो डेसिमल या तो नॉन डेसिमल। आप सारे नंबर्स को डेसिमल या नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन में होगा तो भी आप उसको डेसिमल नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। आई थिंक यू नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इफ देयर इज अ नॉन डेसिमल नंबर। अगर आपके पास नॉन डेसिमल नंबर है, जैसे कि आई विल टेक वन, वन है हमारे पास में, तो वन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो वन अकेला है ना, इसमें कोई जीरो वीरो नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आई विल राइट हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट, तो वन का सिग्निफिकेंट फिगर वन ही होगा। क्या होगा वन, अगर मैं यहाँ पर टेन लेता हूँ, सो यू विल से कि यहाँ पर दो डिजिट है तो टू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉट इज इम्पोर्टेंट वेन देर इज नॉन डेसिमल नंबर, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, डेसिमल पॉइंट है नहीं है। जब डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तब आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या लेना है, जो नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर तो सिर्फ वन है, सिर्फ वन है, ये तो जीरो है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा, सिर्फ यही सिग्निफिकेंट फिगर। सो इट इज ऑल्सो हैविंग वन। अगर मैं यहाँ पे हंड्रेड लेता हूँ, सो सिग्निफिकेंट फिगर इज वन, बिकॉज यू हैव टू काउंट ओनली द नॉन जीरो नंबर। कितने काउंट करना है, नॉन जीरो नंबर। इसी की जगह अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते, चलो मैं इसको कर देता हूँ 00100। अब बताओ व्हाट आई सेड, ओनली नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर कौन सा है, देखो इसके पहले भी यहाँ पर जीरो है, अब बाद में भी जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली दिस इज सिग्निफिकेंट, दैट्स व्हाई वन। बात समझ में आ रही है। अब इससे थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास है 101, अब बताओ अब यहाँ पर क्या रहेगा। सो देर इज अ कन्फ्यूजन कि अब हम कैसे लेंगे। मैंने क्या कहा था, नॉन जीरो नंबर, लेकिन बात याद रखना कि नॉन जीरो नंबर स्टार्टिंग टू एंड, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ नॉन जीरो नंबर, खत्म यहाँ पर हुआ, तो आपको ये पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट फिगर लेने पड़ेंगे। बात समझ में आई, स्टार्टिंग का नॉन जीरो, एंडिंग का नॉन जीरो। बात समझ में आई, स्टार्टिंग का नॉन जीरो, एंडिंग का नॉन जीरो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, थ्री। ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट। बात समझ में आई। इसी को अगर मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लिखता हूँ 00100100, अब बताओ व्हाट आई सेड,
स्टार्टिंग नॉन जीरो, एंडिंग नॉन जीरो, स्टार्टिंग नॉन जीरो, एंडिंग नॉन जीरो। तो देखो स्टार्टिंग नॉन जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ पर हो रहा है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट, दैट इज फोर सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको समझ में आया कि अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे रहेगा, स्टार्टिंग नॉन जीरो, एंडिंग नॉन जीरो, उसके बीच में जितने भी नंबर, जीरो आता है तो भी चलेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी आने, तो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 रहता, जैसे आई विल राइट हियर 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 1 2 3 4, या जस्ट टेल मी, या इसके आगे भी मैं जीरो ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4। सो सी हियर, स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नॉन जीरो दिस वन, एंडिंग नॉन जीरो दिस वन, तो टोटल कितने डिजिट से देखो 12, तो 12 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर। क्या बात समझ में आ रही है कोई डिफिकल्टीज में? तो नॉन जीरो के, नॉन डेसिमल के लिए इट्स अ बेसिक फंडामेंटल रूल, ये रूल आप यूज करोगे तो गलती नहीं करोगे, ठीक है, समझ में आ गया क्या? बहुत सिंपल तरीके से बताया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, कि यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट स्टार्टिंग नॉन जीरो, एंडिंग नॉन जीरो, किसके लिए? जब डेसिमल नहीं है तब के लिए। अब जब डेसिमल रहेगा, सपोज मैं यही लेता हूँ 1, मैंने लिख लिया 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट लिखा, कुछ नहीं लिखा है इसके आगे। नाउ अब वहाँ पे लिखा ही एक नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, अगेन आई एम राइटिंग हियर सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1। बट इफ आई राइट हियर 1.0, तो बच्चों जब भी डेसिमल पॉइंट हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो, कहाँ से बोला? स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो टू एंडिंग जितने भी रहेंगे, यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो टू एंड नॉन जीरो, स्टार्ट नॉन जीरो एंड नॉन जीरो खत्म, यहाँ पे वैसा नहीं है, स्टार्ट नॉन जीरो एंड पूरा नंबर, एंड पूरा नंबर, तो इसका इसका कितना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर? 2, इट विल बी 2। इफ आई से हियर 1.00001, नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? अब पहले ही मैंने बताया डेसिमल पॉइंट में क्या करना है, स्टार्टिंग नॉन जीरो टू एंड जितना भी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 6। नाउ यू विल हैव कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन 0.00005। सो सी हियर व्हाट आई सेड, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो, ये तो सब जीरो है, ये कुछ काम के नहीं, दिस इज ओनली अवर सिग्निफिकेंट फिगर, दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। बात समझ में आई? नाउ आई विल मेक इट लिटिल बिट डिफरेंट, 0.00012300। नाउ टेल मी, सो हियर व्हाट इज स्टार्टिंग नॉन जीरो, स्टार्टिंग नॉन जीरो क्या है? ये है 1 से लेकर क्या बोला, डेसिमल में जितना एंडिंग होता है, एंडिंग तक के चलेगा। तो हियर 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई डिफिकल्टी है इसमें, कोई परेशानी यहाँ पर, कुछ गड़बड़ लग रही है? ओके नाउ तो इसमें आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या लाइक 1 12.06, इसका बता दो व्हाट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट्स 4। तो नाउ यू अंडरस्टूड, डेसिमल रहे नहीं रहे तो आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हो इजीली। एक ट्रिकी वन है जो डेसिमल में भी नहीं आता, नॉन डेसिमल में भी आता है, इसका बताओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ 0.00। जीरो इज ऑल्सो डिजिट बेटा, सो इट्स सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, वेरी गुड। सो क्यू, बिकॉज 0.0 एक्चुअली मीन्स 0 ही होता है, इट इज ओनली 0, 0.0 इज नथिंग बट 0, इसका कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट्स इन दोनों में ये एक्सेप्शन आ जाएगा कि अगर हम डेसिमल पॉइंट लेते तो इसका 2 आना चाहिए था सिग्निफिकेंट फिगर, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 आने चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब सॉरी 0 आना चाहिए था, बट इट इज अ, क्या है इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, आई विल नॉट हियर, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसका आंसर इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना नोट करो, देन विल टॉक अबाउट एडिशन और सबट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है? ओके नाउ वी अंडरस्टूड हाउ टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं हमें समझ में आया, नॉन डेसिमल हो या डेसिमल हो। इसमें एक और पॉइंट आता है कि जब आप उसको टू द पावर 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हो तब आप किसे उसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे। जैसे कि अगर मेरे पास है 123, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.23 10^2, तो भी इसके सिग्निफिकेंट यहाँ पर भी 3 थे, यहाँ पर भी 3 है, दिख रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू 10 का पावर, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज नहीं होगा। बट अगर आपने, जैसे कि मेरे पास, हमने नेगेटिव इस तरीके के नंबर भी यूज़ किए थे 0.1230, इसका अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है
तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट इट, कैसे करूँगा? 1.230 10 रेस्ट पावर माइनस 3 करूँगा, माइनस 3 अगेन. सो अगेन हियर इट इज़ अ 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है. तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि 10 के पावर में दिया रहेगा और आप रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो रूल मैंने आपको डेसिमल नॉन डेसिमल में बताया, वही सेम रूल आपको 10 के पावर में भी यूज़ करना है. 10 के पावर को छोड़ देना है, 10 को नहीं कंसिडर करना है. जो नंबर है उसी में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करेंगे. बात समझ में आई क्या? समझ में आ रही है? ओके, चलो अब हम बात करते हैं. वी नो द सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स भी है. अब अगर आपको उसका प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, तो अब फिर हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? तो रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़े भाई भाई है और एडिशन सब्सट्रैक्शन बहन बहन है, मतलब यू कंसिडर की सेम सेम होते हैं थोड़े से. एडिशन सब्सट्रैक्शन इज सिमिलर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज सिमिलर. सो रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन विल बी डिफरेंट एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन विल बी डिफरेंट, मतलब इनके लिए रूल्स है. तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात करते हैं सबसे पहले. इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन. अब क्या रिटेन? रिटेन मतलब रहना चाहिए, आंसर में क्या रहना चाहिए? एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिमेंबर जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं या डिविजन की बात करते हैं, दैट टाइम वी टॉक सिग्निफिकेंट फिगर्स. कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, लिस्ट मतलब जिनका आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो उनमें से जिसका सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आंसर का रहना चाहिए. बात समझ में आ रही क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 तो होता है 0.84. क्या होता है? 0.84. इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 2 है. क्या 2 है? 4.2 मतलब 2 है ना, डेसिमल में स्टार्टिंग नॉन जीरो एंडिंग नॉन जीरो. यहाँ पर क्या है? 1. तो हमारा जो आंसर रहेगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए? 1. क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन और डिविजन रहेगा दैट टाइम वी हैव टू रिटेन द सिग्निफिकेंट फिगर. क्या रिटेन करना है? वो भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, हाईएस्ट नहीं, लिस्ट. तो यहाँ पे 4.2 का सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और 0.2 का सिग्निफिकेंट फिगर है 1. तो हमारा आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए? 1. तो हमारा आंसर आएगा 0.84, लेकिन हम उसे राउंड ऑफ करके सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे, ये 4 हट जाएगा, 0.8 इसका आंसर आएगा. बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी है यहाँ पर? देन सेकेंड वन, 2 6 12, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, लेकिन फिजिक्स के टर्म में आज हम इसको गलत प्रूफ कर रहे हैं. बिकॉज देखो, 2 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. 6 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आंसर इसका 12 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हैं? 2. तो आप बोलेंगे सर बचपन से पढ़ रहे हैं, अभी मत चेंज कराओ. तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, व्हेन यू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका आंसर 12 नहीं लिखना पड़ेगा आपको. इसका आंसर या तो आप डायरेक्टली 10 लिखोगे, 10 में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 10 में 1. क्योंकि हमने क्या बोला था, जब नॉन डेसिमल होता है, नॉन डेसिमल में सिर्फ स्टार्टिंग नॉन जीरो एंडिंग नॉन जीरो देखते हैं, है ना, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. या फिर इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो पॉइंट में, सॉरी 12 को 1.2 10 रेस्ट पावर 1 लिख सकते हो, 1.2 10 रेस्ट पावर 1, इसी को 1.2 की जगह मैं 1.0 लिख रहा हूँ, तो अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 1.2 और 1 में कितना फर्क है? 1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर, कुछ ज़्यादा फर्क है, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट फर्क होगा. तो दैट इज आवर आंसर. समझ में आया? हाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारे जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे जो आंसर्स, उसको पूरा चेंज कर देते, कभी कभी चेंज करते, हमेशा चेंज करेंगे ऐसा नहीं है. याद क्या रखना है आपको? जब मल्टीप्लीकेशन डिविजन है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आएगा. अब देखो यहाँ पर 4.2 डिवाइड बाई 2.2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है कौन बताएगा? 2 है. इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है. तो आंसर का भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है इट शुड बी 2, बट यहाँ पर तो 1 आ गया, 2 मतलब 1 आ गया, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में. उसे कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया इसको? 2.0. बात समझ में आ रही क्या? क्या किया? 2 को मैंने 2.0 में कन्वर्ट किया. वैसे ही 1.6 into 1.6 2.56 होता है, बट हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2. यहाँ पर भी 2, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए. यहाँ तो 3 दिख रहा है, तो उसे हमें राउंड ऑफ करके कंप्लीट कर दिया. तो यहाँ पर 6 है, राउंड ऑफ का विल टॉक अबाउट आफ्टर दिस वन. राउंड ऑफ के बारे में बात करूँगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं. तो 2.56 का राउंड ऑफ हो गया 2.6, ठीक है, प्लस 1 कर देते हैं हम यहाँ पर. वो राउंड ऑफ मैं लास्ट में बताता हूँ आपको क्या. चलो राउंड ऑफ बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, राउंड ऑफ क्या होता है, हाउ टू डू राउंड ऑफ.
दो कंडीशन, तीन कंडीशन है, इफ लेस देन फाइव, इफ लेस देन फाइव रिमेन एज इट इज, इफ ग्रेटर देन फाइव प्लस वन, अगर फाइव से बड़ा नंबर होगा तो प्लस वन करना पड़ेगा, इफ इक्वल टू फाइव तो आपके पास दो कंडीशन आएगी, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन में नो चेंज, ऑड में प्लस वन। उसके एग्जांपल्स बताता हूँ एक एक करके, जैसे कि यहाँ पर आई विल राइट हियर एग्जांपल, मैंने बोला राउंड ऑफ में अगर फाइव से छोटा है, जैसे मेरे पास यही नंबर 2.56 है तो मेरे पास होता 2.54, तो ये नंबर फाइव से छोटा है, फोर फाइव से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, फोर फाइव से छोटा है, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2.5, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, रिमेन एज इट इज या फिर नो चेंज लिखो यहाँ पर, नो चेंज, समझ में आ गया, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं किया क्या हमने, बस फोर को हटा दिया, राउंड ऑफ मतलब नंबर को हटाना। बट अगर ग्रेटर देन फाइव है, जैसे कि यहाँ पर था, अगर मुझे 2.56 को राउंड ऑफ करना है, ये सिक्स हटाना है मुझे, तो ये फाइव से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, इसलिए मुझे इस पर वन प्लस करना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा 2.6। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ अगर इक्वल टू फाइव होता, जैसे कि ये नंबर होता है मेरे पास में 2.55, तो सर ये तो फाइव है ना, तो फाइव से बड़ा ना तो छोटा, अब क्या करें? तब आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर ये इवन है या ऑड है, तो ये फाइव इवन है या ऑड है, ऑड है, तो जब ऑड होगा तो प्लस वन करना है, क्या करना है? प्लस वन, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.6। लेकिन अगर ये रहता 2.45, ये रहता 2.45, तो ये तो फाइव है लेकिन ये इवन है या ऑड है, इवन, इवन में नो चेंज, तो इसका आंसर आता 2.4। बात समझ में आई? इवन के लिए नो चेंज, ऑड के लिए प्लस वन। समझ में आ गया यहाँ तक के? सो राउंड ऑफ भी समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल में आपको याद रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर यूज करना है, एंड फाइनली एडिशन सबसेक्शन में क्या करेंगे, एडिशन सबसेक्शन में द फाइनल रीजन रिटेन, क्या रिटेन करेगा? डेसिमल प्लेसेस, याद रखना जब आप प्लस माइनस करोगे तब डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोला है, रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर बोला था, एडिशन सबसेक्शन में आपको डेसिमल पॉइंट ध्यान में रखना है, वो भी कौन सा? लीस्ट डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी लीस्ट डेसिमल पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप प्लस या माइनस करते हो, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल 4 + 16, कोई डेसिमल पॉइंट है क्या? नहीं, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, 4 + 16 20, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो बराबर है, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर दो डेसिमल पॉइंट, तो आंसर में कितने डेसिमल पॉइंट चाहिए? लीस्ट डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर कितने डेसिमल है? वन, यहाँ पर टू, तो हमारे हमारे आंसर में एक ही होना चाहिए, यहाँ तो दो दो आ गए, तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू राउंड ऑफ, एट है फाइव से बड़ा, इसलिए ये क्या हो जाएगा 10.4, ये फाइव से बड़ा है ना, ये देखो ये फाइव से बड़ा है, व्हाट आई सेड, फाइव से ग्रेटर देन फाइव होगा तो प्लस वन करना पड़ेगा, तो 10.4। समझ में आ गया? देन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने? टू, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 3, तो आंसर में कितने डेसिमल पॉइंट चाहिए? लीस्ट डेसिमल पॉइंट बोले ना, तो एक में दो है और एक में तीन है, तो लिस्ट कौन सा हुआ? टू छोटा हुआ कि थ्री छोटा हुआ? टू, तो हमारे आंसर में भी टू डेसिमल पॉइंट चाहिए, इसलिए हमारे आंसर ये आंसर नहीं रहेगा, ये आंसर है, दैट इज यहाँ पर टू फाइव से छोटा है, इसलिए राउंड ऑफ में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी है? लास्टली दिस 0.92, डेसिमल पॉइंट कितने? दो, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक भी नहीं है, जीरो, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए हमको, क्या नहीं चाहिए? डेसिमल पॉइंट नहीं, तो हमें ये पूरा का पूरा हटाना है, तो अब ये 9 है, 5 से बड़ा, इसलिए इसको इसे प्लस 1 करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर है 5। बात समझ में आ गई? कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी? तो यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज एरर्स, हाउ टू फाइंड आउट एरर, व्हाट आर एरर्स एंड कैसे हम उसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप लोग, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? सो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।